दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आप वर्ड ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप प्लस आइकन पर टैप कीजिए। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सबसे नीचे राइट कॉर्नर में आपको एक एरो का साइन शो होगा जिस पे आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे जो होम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको लिस्ट में सेलेक्ट करना है इंसर्ट। इंसर्ट के बाद आप देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन ऑप्शन आपको शो हो रहा है वो है स्कैन डॉक्यूमेंट, इसको हम टैप कर देंगे। इसके बाद एक स्कैनर ऐप ओपन हो जाता है जो कि आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, और अपने ऑटोमेटिकली उसने ब्लू कलर की जो बाउंड्री है वो सेट कर दी है। तो मैं यहाँ पर कैप्चर वाला साइन क्लिक करूँगा। पहले मैं फोकस करूँगा टैप करके, ये मेरा डॉक्यूमेंट फोकस हो गया है। अब मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि इसने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली क्रॉप किया है। कुछ एरिया को मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। मुझे ये जो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपोर्ट करना है। मैं कंफर्म पर टैप करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने जो हमने क्रॉप किया था वो एरिया हमको ये हाईलाइट कर रहा है। अगर हमें दोबारा से क्रॉपिंग करनी है तो हम क्रॉप कर सकते हैं। हम कुछ पेजेस इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऐड में जाके हम सेकंड पेज भी ऐड कर सकते हैं, थर्ड पेज भी। तो हम अभी सिर्फ डन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डन पर क्लिक किया तो इसने इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दिया। कुछ जगह आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं जिनको आप इजीली ठीक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट जो टाइप फॉर्म में था वो हमारा पूरा एडिटेबल फॉर्म में आ चुका है एज इट इज़। इसे हम आप एडिट कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको जो तीन डॉट्स हैं इन पर टैप करना है। आपको जाना है सेव, आप शेयर एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ सेव। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को हमें अपने लैपटॉप में देखना है तो आप इसको इसे शेयर करके वन ड्राइव पे या किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे सेव करना होगा। तो आप जो शेयर वाला आइकन है इस पे टैप कीजिए। इसके बाद आप देखिए कि वन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, और जो सेकेंड ऑप्शन शो हो रहा है वो यहाँ पे है शेयर एज अटैचमेंट। तो आप इसे एज ए अटैचमेंट ईमेल से भी सेंड कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी पर, या फिर हम सिंपली इसे वन ड्राइव पर सेव कर देते हैं। हमारी जो फाइल है वो वन ड्राइव में सेव हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि लैपटॉप स्क्रीन पर ये कैसी दिखती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने वन ड्राइव में सेव किया था वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुका है, और अब हम इसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं और फिर इसे हम सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।